तुम्हारी एनिवर्सरी है तो ये ना समझना कि भाई मैंने तुम्हारे लिए शायद यहाँ पे लिमोजीन मंगाई होगी। जाना हमने फिर भी स्कूटी पे ही है भाई। कुछ नहीं होगा आओ तो सही, यहाँ पे खड़ी हो ताकि मैं जोर से जम मारूं। है मैं तो कहता हूँ मिस कराते हैं यार, मैं तंग आ गया दुनिया से। भाई ये तुम लोग देख सकते हो ये क्या आ रहा है भाई, हैं आए 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 आए, ये ऑर्डर लेके आ रहा है हमारा। आए आए आए, ये ऑर्डर हम लोग पकड़ लेते हैं। ओए हम लोग जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ओए होए होए, आखिरी दिन है यार मेरा यहाँ पे मलेशिया के अंदर, आखिरी दिन है भाई साहब। भाई ना कि सिर्फ आज मलेशिया के अंदर हमारा आखिरी दिन है बल्कि आज हमारी एनिवर्सरी भी है। इसलिए तो आपका भाई जो है ना रेडी शेडी हुआ है, ठीक है, कपड़े शपड़े पहन के क्रीमे शीमे मल के बाल वाल सेट करके रेडी हुआ हूँ। बड़े क्यूट लग रहे हो यार, बड़े क्यूट लग रहे हो। हमारी जो है एनिवर्सरी है आज, 1 ईयर पूरा हो गया भाई। कैसा लगा तुम्हें 1 साल झेल के मुझे? हाँ जी भाई, 1 साल नहीं आगे मरते दम तक इसको हमें करना है भाई। मुझे ना थोड़ा बहुत तुम्हें बस ये घुमाना शुमाना, बस ये कभी कोई शॉपिंग कोई डिनर यही, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकता मैं। कोई मसला तो नहीं ना? नाराज तो नहीं ना होगी कि एनिवर्सरी पे कुछ भी नहीं किया, बस मुझे खाने पे ले गया? नहीं। फिर भी पाकिस्तान जाएंगे तो फिर अच्छा सा सरप्राइज एनिवर्सरी का रेडी होगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। चल झूठा। तो क्या कल जो है ना मैं ये खरीद के आया था Insta360X3 कैमरा है ये, तो कल जो है ना मैंने अनबॉक्सिंग करके सारे पंगे शंगे लिए हैं, ठीक है। इसको भी मैं तुम लोगों को टेस्ट करवाता हूँ कि इस कैमरे से किस टाइप की शॉट्स निकलती हैं। तो अभी फिलहाल बाहर चलते हैं, हमारा रोजा भी है तो हम लोगों को जो है ना ज्यादा काम शाम नहीं करना। तो हम लोग बाहर आ गए हैं, तुम लोग देख सकते हो वो सामने जो है ना उसको कहते हैं KL टावर, उसके ऊपर बैठ के जो है पूरे कुआलालंपुर का व्यू नजर आता है, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे आज, ठीक है। एनिवर्सरी ठीक जा रही है ना अभी तक फिलहाल? लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारी एनिवर्सरी है तो ये ना समझना कि भाई मैंने तुम्हारे लिए शायद यहाँ पे लिमोजीन मंगाई होगी। जाना हमने फिर भी स्कूटी पे ही है भाई। आए 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 आए, और इस स्कूटी में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस कैमरे से कैसे कैसे शॉट्स मिल सकते हैं भाई। तो भाई इस टाइप के 360 एंगल के शॉट्स जो है इस कैमरे से निकल सकते हैं भाई। हाय 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 हाय, ओए भाई साहब पता आ गया भाई, ओए भाई शॉट्स का मजा आया कि नहीं? फिर है नहीं। ये जो है ना मोस्टली कैमरा इस्तेमाल होगा हमारे जब हमने रोलर कोस्टर लेना होगा या वो जो केबल कार हम लोग ले रहे हैं ना उस पे अगर हम लोग ये कैमरा इस्तेमाल करते बड़ा क्लास का शॉट आना था। लेकिन अब जो है आने वाले व्लॉग के अंदर इसका जो है ना लेवल के हम लोग शॉट्स डाला करेंगे। A few inches later. तो भाई ये हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन करीब KL टावर के। अरे भाई बहुत गर्मी लगी है यार, बहुत पसीना आ गया भाई। अल्लाह, ऊपर जाने के लिए टिकट लगती है और यहाँ पे 300 Okay, how much? Like this one, the normal price is 110. Uh-huh. But this level we have renovation. So only this part is available. So we consider you 20% discount. There's a renovation going on. Yeah. I came along the way Pakistan. Just to see a renovation. Thank you. Hi, 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 hi. भाई साहब एक तो गर्मी नहीं मुक्ति यार यहाँ पे। हम लोग चेक करो भाई, हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं और ये है भाई पूरा कुआलालंपुर का व्यू। रोजा बहुत लग रहा है, मेरे मुंह से तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसकी हालत जो है ना फटी पड़ी है भाई। लेकिन हमारा आज आखिरी दिन था मलेशिया में और हमारी एनिवर्सरी ही, तो अब जाहिर है दिन जाया तो नहीं करना है। बाकी तुम लोग देख सकते हो भाई 100 रिंगेट इस व्यू के दिए मैंने, 100 रिंगेट। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है? यही है बस, बस व्यू देख लिया लोग एंजॉय, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं वेले। 100 रिंगेट यहाँ पे बंदा व्यू देखे यार, प्यारा है यार, हैं बहुत अच्छा व्यू है भाई। तो यार यहाँ पे जो है स्काई बॉक्स भी है, स्काई बॉक्स ये तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना ग्लास की फ्लोर है तो हमें जो है नीचे का पोर्शन भी नजर आएगा, अभी तुम लोगों को जाके दिखाते हैं। भाई डिग तो नहीं टूटेगी तो नहीं, इट विल नॉट
नॉट ब्रेक राइट, इट विल नॉट ब्रेक। जा पूछ क्या। अबे मैं तो जंपे मारने का दिल कर रहा है। कुछ नहीं होगा, आओ तो सही। यहाँ पे खड़ी हो ताकि मैं जोर से जंप मारूं। हैं मैं तो कहता हूँ मिस कराते हैं यार, मैं तंग आ गया दुनिया से। और जितने तो मोटे थे टूट भी जाना है। भाई 360 कैमरा रेडी हो गया है और ये शॉट आएगा अभी। रोजे का जो है ना हो गया टाइम, वो मुश्किल हो रहा था भाई आज। अभी जो है ना हम लोग पिज्जा खाने बैठे हैं और तुम लोगों को जो है ना मजे की चीज दिखाता हूँ। पिज्जा हमने ऑर्डर कर लिया, यहाँ पे जो है QR कोड स्कैन करके हम लोगों ने पिज्जा हमने ऑर्डर कर लिया। अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ लोग खा रहे हैं, यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है, वेटर कोई नहीं है, ना कोई ऑर्डर ले रहा है, ना कोई खाना बना रहा है, क्योंकि यहाँ का सीन थोड़ा डिफरेंट है। जब ऑर्डर आता है ना फिर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। A few moments later, भाई ये तुम लोग देख सकते हो ये क्या आ रहा है भाई। हाय 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 हाय, ये ऑर्डर लेके आ रहा है हमारा। हाँ भाई साहब, रोबोटिक ऑर्डर भाई। आए भाई ये चेक करो, ये हमारे पास आके जो है ना रुक जाएगा, ये देखना। आए 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 आए, बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर हम लोग पकड़ लेते हैं। आए ठीक है, और अब ये चला गया है। ठीक है, अब ये अपनी जगह पे जाके जो है ना वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, देखना। ये देखो, ओए 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 ओए, हैं? ये पाकिस्तान में आ जाए, लोगों ने इसी से लड़ना शुरू कर देना है। लोगों ने कहना कि भाई हमारा ऑर्डर किधर है, इसी को उठा के फेंक देना है उन्होंने, हैं? उसी से जाके लड़ना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, लड़ना शुरू कर देंगे भाई पाकिस्तान में अगर आ गया ये तो। भाई हमारा ऑटोमेटिक ऑर्डर आ गया भाई, रोबोटिक। मजा आ गया, मजेदार। चिकन सुप्रीम, मशरूम, प्याज श्याज, एक्स्ट्रा टॉपिंग, पिज्जा मंगाया। इफ्तारी हो गई ना, जान पे जान आई है, एनर्जी आई है, अब देखते हैं क्या क्या करने को है। वो देखो उन्होंने ऑर्डर पैक करवाया है, उनको पैक ऑर्डर देने जा रहा है। ये देखो उन्होंने ऑर्डर पैक करवाया ना, उसको शॉपर में बांध के लेके आया। सिर्फ हम एक्साइटेड हैं, लोग उसको देख के हंस भी नहीं रहे। हाँ जी भाई, बड़ा मजे का पिज्जा था भाई। मैं तो कहता हूँ ड्रिंक भी इसी रोबोट से मंगाते हैं। रोबोट व्हाट, दो जूस निकल लो। नहीं नहीं, कोक उसकी है, मुझे लगा मेरा जूस आया है। वो देखो, मुझे लगा, अच्छा मुझे लगा मेरा ड्रिंक आया यार। और मेरा वाला भी आ गया। नहीं नहीं, मेरा वाला भी आ गया, खाली ग्लास नहीं है, मेरा वाला आया ही है। ये बड़ा लेट लेके आए हो भाई, टिप शिप कोई नहीं देनी मैंने। अब बड़ा लेट लेके आया, टिप शिप कोई नहीं देनी मैंने इसको। कंप्लेन करता हूँ मैं तुम्हारी बॉस को, इसकी कंप्लेन करो यार। चुप कर रहे कुत्ते। आइए, अच्छा आ गया भाई। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी महीने की है? अबे अपना काम कर। बेचारा काम करता है भाई बड़ा। हम भी घर में रख ले इस तरह का एक, सुबह कॉफी बना दिया करेगा, हमारे बिस्तरा बुस्तरा झाड़ दिया करेगा। तो सही मुनीब। हाँ, मुनीब है। जब मुनीब हो घर में तो इसको क्या करना हमने। Tomorrow. तो यार अगला दिन हो गया है शुरू और हमारा है मलेशिया से वापसी। मलेशिया से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर हम लोग जो है फ्लाइट पे नहीं जा रहे, हम लोग बस पे जा रहे हैं, हम लोग बाय रोड सिंगापुर जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता मलेशिया और सिंगापुर की बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, वो बिल्कुल साथ साथ है जहाँ पाकिस्तान इंडिया है, और है भी यहाँ से कोई 4 घंटे 4.5 घंटे की ड्राइव है और कुछ भी नहीं है भाई। तो तुम लोग देख सकते हो सामान सामान हमारा हो गया पैक। ठीक है, लैपटॉप का बैग भी रेडी है, वो दोनों लगेजेस भी रेडी हैं। तो हम लोग जो है ना निकलते हैं सीधा बस स्टेशन। बस स्टेशन हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो बसेस वगैरह जो है यहाँ पे खड़ी हुई है, वो एक सामने वो खड़ी हुई है। अभी हमारी बस आएगी जो हमें सिंगापुर लेके जाएगी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बस का सफर भी हो जाएगा, उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। पिछले जो है ना मैंने बस कराई है, बस हमारी आ चुकी है, ये है हमारी जिसपे लिखा है बिलियन स्टार एक्सप्रेस। अभी हम लोग सामान वगैरह रखते हैं। ठीक है, सामान हम लोगों का जाएगा इधर नीचे। पूरी बस में कोई भी नहीं है, मैं एमी एमी तो नहीं कि भरी भी बस कराऊं। अच्छा खाली बस कराएंगे भाई, ऐसे तो नहीं होता। अरे भाई साहब बस के अंदर बैठ गए हैं, तुम लोगों को मॉल चोल दिखाता हूँ। खुली बस है और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, खुली बस है। ठीक है, मैं तो बल्कि टांगे ऐसे भी कर लूँ तो कोई मसला ही नहीं भाई। यहाँ भी पटन शटन लगे हुए, ये क्या करते हैं? और पीछे हो गया हूँ मैं, मजा आ गया भाई।
बस हमारी जो है तकरीबन 1.5 घंटे से चल रही है और अभी जो है 3 आवर्स तकरीबन रहता है सिंगापुर पहुंचने में। बारिश वाला मौसम हुआ है, बड़ा मजेदार किस्म का। और वैसे मैं जनवन बताऊं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई जाना चाह रहा है ना मलेशिया से सिंगापुर, तो बाय रोड बड़ा सूटेबल है। बैठो सुकून से, टांगे शांगे सीधी करके और ड्राइव पे पहुंचो भाई, मजा है। ये तुम लोग चेक कर सकते हो भाई, बारिश वाला मौसम हो गया है। अभी जो है ना भाई साहब ने बस रुकी है 15 मिनट के लिए, ठीक है, तो पेशाब पशूब कर लेते हैं अच्छे से। हाउ मेनी मिनट्स 15 मिनट्स ओके। हे, खाने पीने की भी जगह है कुछ, लेकिन अब खा नहीं सकते, रोजा है हमारा। बाकी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना अच्छा माहौल है यार, बस गर्मी है, बीच में बारिश हुई थी, मजा आया था। 15 मिनट्स लेटर सिंगापुर के बॉर्डर पे, तुम लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। चलो जी, अजान हो गई है मगरिब की। तो भाई जैसे ही हम लोग सिंगापुर आए, रोजा खुल गया, हमारे पास रोजा खोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो भाई ये है इमिग्रेशन वाली जगह पे, यहाँ पे जो है ना इमिग्रेशन होगी हमारी, सबसे पहले एग्जिट स्टैंप लगेगी मलेशिया की, फिर एंट्री लगेगी सिंगापुर की। तो भाई उन्होंने बोल दिया नो फोटो नो वीडियो अलाउड हियर, तो अभी जो है ना इमिग्रेशन करा के तुम लोगों से मिलते हैं। 20 मिनट्स लेटर हमारी मलेशिया की एग्जिट स्टैंप लग गई है और ये हमारी बस भी आ गई है यहाँ पे। सामान हमें रखना पड़ेगा वापस इसके अंदर। ओए रुको, मैं सामान रखता हूँ, तुम उस्तारी के लिए कोई चिप्स चुप्स ले लो जाके। हाँ कोई अच्छा जूस वूस ले जाओ। ये पकड़ना जल्दी, ये चिप्स खोलो। हैं कोई प्रिंगल्स आ गए हैं, ठीक है, हमारी इफ्तारी होने वाली है 5 मिनट लेट। आजकल ज़्यादा फील नहीं हुआ, सो गए थे बस में। यार सिंगापुर जो है शुरू हो गया रहा, तो भी ऐसे तुम लोग को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। एंटर हो गए हैं हम सिंगापुर के अंदर, अब हमें मलेशिया से एग्जिट हो गए हैं, हमारे पासपोर्ट भी मलेशिया की एग्जिट लग गई है और सिंगापुर की एंट्री लग गई है। लेट है हमारी आ चुकी है गाड़ी जो हमें होटल छोड़ के आएगी। तो यार फाइनली हम लोगों की गाड़ी आ गई है सिंगापुर, हम लोग हो गए हैं लैंड नहीं अराइव हो गए हैं, एंटर हो गए हैं हम सिंगापुर। तो भाई होटल आ गए हम। यार सिंगापुर बड़ा महंगा है, इस भाई साहब ने हमसे 7,000 रुपए लिए। चेक इन करते हैं रूम शूम देखते हैं कैसा है। भाई बहुत महंगा है यार सिंगापुर, अभी वो टैक्सी वाला हमसे 7,000 रुपए ले गया यार, है 10 मिनट की ड्राइव का। ऐसे तो ले होता है। और ये होटल 5 नाइट का मेरे अकाउंट से उसने पैसे काटे हैं 2,90,000। अंदर डालो ना इसको। बस होय ये तो कुछ भी नहीं है, तो पिदको सा रूम है यार, गुर्बत फील हो रही है मुझे तो 3,00,000 रुपए दे के भी। तो यार सिंगापुर हम लोग पहुंच चुके हैं, सिटी व्यू है, इतना कुछ अभी नजर नहीं आएगा, सुबह उठेंगे ना फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ माहौल। तो सिंगापुर में जो है हमारा 4 दिन का स्टे है, तो चारों दिन जो है हम लोग घूमेंगे, ज्यादा टाइम वगैरह जाया नहीं करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को बताया था कि यार हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं, हमने एनिवर्सरी बनाई भी नहीं है, तो उसका भी कुछ प्लान करते हैं, वो भी नाराज हुई है रूबी के यार कुछ किया ही नहीं है, कैसे करते यार, काम शाम फिरना शिरना बहुत आ रहा था। तो खैर एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉग गैंग को कर लेना ज्वाइन। मिलते हैं कल। ओ काफर।